आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बेटियों के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में सहभागिता भी जरूरी है। इस मनोभाव के साथ बेटियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख सामाजिक संस्था सेवा आगरा और महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में महामेधा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बेटियों के सर्वांगीण विकास हेतु पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में सहभागिता भी जरूरी है। इस मनोभाव के साथ बेटियों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख सामाजिक संस्था सेवा आगरा और महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में महामेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये हम लोग जो पढ़ाई के अलावा जो हम किसी और फील्ड में जिसमें आगे हैं उससे अच्छा लग रहा है। और आज हमारे को अवार्ड मिला था क्यों उन बच्चियों को जो पेंटिंग के अलावा जो पढ़ाई के अलावा भी किसी फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को मिला क्योंकि मेरे पेंटिंग ड्राइंग में काफ़ी स्टेट नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स थे। पेंटिंग का शौक आपको कहाँ से लगा? मुझे बचपन से ही था। उसके बाद मेरी मैम थी लीना मैम, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा हम सबको, तो उनकी वजह से और इंटरेस्ट बढ़ा। फिर ऐसे ही स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उनमें पार्ट लेना स्टार्ट किया। फिर ऐसे ही समारोह में ड्राइंग एवं पेंटिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां अर्जित करने वाली अलीशा राघव, जिम्नास्टिक खेल में जूनियर नेशनल चैंपियन आयुषी शर्मा और जी टीवी पर अपने अभिनय से धूम मचा चुकी रुद्रा रघुवंशी को महामेधा सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन तीनों बेटियों ने चित्रकला, खेल और रंगमंच में अपनी महारत हासिल की है और हमने सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित किया है। जैसा कि अभी हमारा एक और कार्यक्रम 11 सितंबर को सम्मान 501 बेटियों का सम्मान करने का जो कार्यक्रम हमारा है महाकाली धर्मा ट्रस्ट और सेवा आगरा का, जिसमें हम हर वर्ष 500 से ज़्यादा बेटियों का सम्मान करते हैं। इस वर्ष भी हम 11 सितंबर को 75% मार्क्स पाने वाली तीनों उसमें बोर्डों में CBSE, ICSE और UP बोर्ड में 75% मार्क्स प्राप्त करने वाली बेटियों को 11 सितंबर 2021 को इसी प्रांगण में संत रामकृष्ण में हम सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसके निःशुल्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं। सब बेटियां भर कर और उसको जमा कराएंगी और उन बेटियों को हम 11 सितंबर को सम्मानित करेंगे। आज का समय ये है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही एक बराबर हैं। तो मैं माता पिता से भी यही निवेदन करूंगी कि अगर बच्चा जिस एक्टिविटी में पढ़ाई के साथ साथ आगे जाना चाहता है तो उसको ना रोकें और उसको उस पढ़ाई के और उस एक्टिविटी के लिए और उनके प्रेरणा स्रोत बनकर के उनका साथ दें। अगर वो कला में या वो किसी भी खेल में या किसी भी चाहे वो किचन से लेके कोई भी एक्टिविटी हो, अगर उसका मन है तो उसको पूरा करने दिया जाए। चैनल के माध्यम से ये है कि समाज में समानता बहुत ज़रूरी है। ये पुरुष प्रधान देश है, इसमें स्त्रियों को दबाया गया है। मेरे विचार से स्त्रियों को उठाना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। इनका आगे का एक ही माध्यम है कि इनको शिक्षित, जब शिक्षित आप करोगे तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। आज आपको कैसा लग रहा है सम्मान पाने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को दबाइए मत और जो वो करना चाहती हैं उनको वो करने दीजिए। आप रंगमंच से हैं, आप नुक्कड़ नाटक भी आप लोगों ने किए होंगे, तो क्या आपके द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो जन जागरूकता से जुड़े हैं? हाँ जी, किए जाते हैं और मैं उनसे बहुत अपना जो भी मैं बेस्ट दे सकती हूँ मैं उसमें देती हूँ। सेवा आगरा के संस्थापक अध्यक्ष मुरारीलाल गोयल, संस्थापिका श्रीमती सुमन गोयल के साथ महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रबंधक और ट्रस्टी मनमोहन चावला, रविकांत चावला तथा संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मोहिनी तिवारी ने संयुक्त रूप से तीनों प्रतिभाशाली बेटियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।